नमस्कार दोस्तों, मैं मेघा और वीडियो की शुरुआत करते हैं सुंदर से प्लांट के साथ। ये मुझे पता नहीं ये काय का प्लांट है, अपने आप से ग्रो हुआ है, लेकिन दोस्तों बहुत ही प्यारा है और बहुत ही सुंदर। छोटे छोटे से बारीक बारीक से रेड कलर के इसमें फ्लावर खिल रहे हैं, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है और बारिश की बूंदों के साथ और ज़्यादा इसकी खूबसूरती बढ़ गई है। और ये एक छोटे से बोतल में ही लगा हुआ है, अपने आप से ग्रो हुआ है, तो मैंने निकाला नहीं था। देख रही थी कौन सा प्लांट है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये छोटी सी ट्रे में, वैसे बीज गिर जाते हैं ना, तो अपने आप से ही अपराजिता का प्लांट ग्रो हो गया था। और छोटे ही प्लांट में इसमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। दोस्तों बहुत टाइम से मैं जो है वीडियो नहीं बना पा रही थी, किसी के भी यहाँ मैं किसी की भी वीडियो वॉच नहीं कर पा रही थी, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं बाहर थी इसलिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये है टर्टल वाइन और इसमें अपने आप से ये देखिए जड़ें बन रही है। जैसे ही हवा और पानी के संपर्क में आती है तो हर नोड्स पर इसमें जो है जड़ें बनने लग जाती है, तो बहुत ही प्यारा प्लांट है। और बारिश के मौसम में दोस्तों प्लांट ख़राब भी होते हैं और नए नए तैयार भी होते हैं। रेन लिली में तो इतने ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है अभी, सभी के यहाँ जिसके यहाँ भी ये प्लांट लगा हुआ, इतना बेहतरीन फ्लावरिंग हो रही है। मैक्सिकन पिटोनिया और सारे जो प्लांट है इतने बढ़िया से ग्रो कर रहे हैं। एक और प्लांट देखिए दोस्तों, इसे मैं सिंगोनियम की कटिंग समझकर मैंने वैसे ही पॉलीथीन में लगा दी थी, और जब इसमें फ्लावर आया तब मुझे पता चला कि ये वो प्लांट नहीं है, सिंगोनियम दूसरा प्लांट है, अभी नाम मुझे पता नहीं है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्पाइडर लिली, सारे जितने भी मेरे स्पाइडर लिली के प्लांट हैं सब में इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और एक और पिंक आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, ये है जो है पिंक कलर। और कुछ बीज मैंने इसमें डाले थे और कुछ कटिंग मैंने इसकी लगाई थी, तो दोस्तों कटिंग तो अच्छी से चल रही है गुलदावरी की, लेकिन इसमें नीली बग भी हो गया है और ज़्यादा बारिश होने की वजह से कुछ पत्तियाँ भी ख़राब हो रही है, तो ये सब मुझे देख देख। तो ज़्यादा बारिश की वजह से भी कभी कभी पौधे ख़राब होने लग जाते हैं। ये प्लांट आप देख रहे हैं स्टार कीपर, बहुत जगह ग्रो हो गया है मेरे अपने आप से, 20 रजनीगंधा, और अब जाके इसमें फ्लावरिंग होगी। तो दोस्तों बहुत मेहनत होती है कुछ प्लांट में, ये गर्मियों से ही मैं इनको तैयार कर रही थी फ्लावरिंग के लिए। और यहाँ पर ये कोना आप देख रहे हैं, यहाँ पर इतने सारे प्लांट अपने आप ग्रो होते जा रहे हैं, एक एक गमलों में कम से कम तीन तीन चार चार प्लांट लगे हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है। ये ड्रैगन फ्रूट, ये बंदरों ने तोड़ दिया था, तो वापस से नया एक और इसमें जो है क्या बोलूँ मैं, बाइट निकल कर आ रहा है। ये यहाँ पर स्थल कमल को मैंने बीच से लगाया था, तो ये देखिए दोस्तों प्लांट तो अच्छे से ग्रो हो रहा है, लेकिन साथ में न जाने कौन कौन से प्लांट अपने आप से ग्रो हो रहे हैं। अब ये मॉर्निंग गैलोरी है कि क्या है। एक और गमला देखिए जो रेन लिली का है, बहुत सारे रेन लिली के मैंने प्लांट लगा रखे हैं, क्योंकि इनकी पत्तियां भी बहुत सुंदर होती है। यहाँ पर जो अदरक मैंने लगाई थी, अभी तक तो मिट्टी से इसका ढकान भी नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों इतना हेल्दी सा ये प्लांट हो गया है। तो पूरे जो आप देख रहे हैं कंटेनर, ये थर्माकोल का, इसमें मैं अदरक ही लगा कर रखूँगी। ये यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे प्लांट मेरे लगे हुए हैं, और कुछ एक प्लांट जो है फ्लावरिंग के लिए तैयार भी हो रहे हैं, जैसे कलियाँ बन रही है इसमें। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं हिबिस्कस का प्लांट है, और हिबिस्कस में इतनी कलियाँ आ रही है, लेकिन धूप नहीं होने की वजह से ये कलियाँ अभी खिल नहीं पाई है, वरना अगर अभी धूप निकल जाएगी तो ये सारे के सारे फूल खिल जाएंगे। तो ये जो प्लांट है ये धूप की वजह से खिलते हैं। और ये बोगनविलिया, और ये दोस्तों मैं आपको साल भर से दिखाती आ रही हूँ, पूरे साल भर इसमें जो है फ्लावरिंग हो रही है, बहुत ही अच्छी हेवी ब्लूमिंग होती है और बहुत हार्डी प्लांट होता है ये। एक और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी जो है स्पाइडर लिली है, और बहुत ही सुंदर इसमें फ्लावर होते हैं। ये जीनिया, तो दोस्तों जीनिया के तो मेरे पास दो तीन कलर है, दो ही तीनों कलर बहुत ही सुंदर है, ये देखिए इस तरह से। तो ये जीनिया के जैसे फूल सूखते हैं मैं इसी में डाल देती हूँ मधुकामिनी। तो अभी लगभग जो हार्डी प्लांट है सभी में फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन दोस्तों विनका थोड़े मेरे ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि विनका जो हाइब्रिड होते हैं उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती नहीं है, और अभी धूप कम और बारिश ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से विनका ख़राब हो रहे हैं। लेकिन जैसे बीज गिरेंगे नए प्लांट तैयार हो जाएंगे, तो नए प्लांट में अच्छी ज़्यादा हेवी ब्लूमिंग होती है। यहाँ पर करी पत्ता, और दोस्तों करी पत्ता
इतना घना हो गया है और नए नए प्लांट, एक ही प्लांट से बहुत सारे प्लांट निकल कर आ रहे हैं, तो इतना घना हो गया है छोटे से गमलों में। ये केलेंचो बारिश में ही रखे हैं, केलेंचो को बारिश के पानी से बचाने की ज़रूरत होती है, लेकिन दोस्तों जैसे ही बारिश शुरू हुई है ये केलेंचो अपनी ग्रोथ पर आ गए हैं। और यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, रेलवे कीपर बोलते हैं इसको, तो इसमें इतने बड़े बड़े साइज़ के फूल खिल रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ये देखिए दोस्तों। और ये पोर्चुलिका पर्सलेन, इनमें जब धूप होती है तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग के बाद क्या है कि अब इनकी थोड़ी थोड़ी मुझे कटिंग करनी होगी। ये जीनिया, और अगर हम बहुत दिनों तक फूल जीनिया का नहीं तोड़ते हैं तो दोस्तों इसमें डबल पेटल होने लग जाता है, ऊपर जो इसमें पराग रहते हैं उसमें से भी वापस से पत्तियां निकलने लग जाती है। यहाँ पर देखिए कनेर, और दोस्तों मैं बाहर थी ना तो मैं कनेर के बीजों को हटा नहीं पाई, तो इसमें फ्लावरिंग कम हो गई है और बहुत सारी फलियां बनने लग गई है। तो ये देख सकते हैं कनेर में इस तरह से फलियां बनती है, और कनेर के जो सीड है मैंने डाले हैं, अगर ग्रो हो जाएंगे तो मैं आपके साथ वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे कटिंग से कनेर बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, और बहुत टाइम बाहर रहने के बाद बहुत सारे जो फूल खिल चुके हैं तो वो डेड हो गए हैं, तो पौधों पर लग गए हैं और मैंने हटा नहीं पाई हूँ, तो उसकी वजह से पौधे ख़राब होने लग गए हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है जो डेड हो गए फूल सूख चुके हैं उनको हटाना, और बारिश में खास करके। ये यहाँ पर देखिए पर्सलेन के जो फूल है वो अभी नहीं खिल रहे हैं क्योंकि धूप नहीं है। और ये कनेर दोस्तों, कनेर ऐसा प्लांट है जो मेरे यहाँ पर पूरे साल भर फ्लावरिंग करता है। ये चमेली, और छोटे छोटे पॉट में ही मैंने इनको ग्रो कर रखा है। वैसे चमेली को मैं थोड़े बड़ा पॉट देने वाली हूँ क्योंकि इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है बंच में। ये छोटी सी बाल्टी में लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए जीनिया, और जीनिया को तो मैं रिपोर्ट कर ही नहीं पाती हूँ, उसमें पहले ही फ्लावरिंग होने लग जाती है। जिस जिसके जहाँ जहाँ बीज डले रहते हैं वहीं पर पौधा तैयार होता है और वहीं पर फ्लावरिंग होने लग जाती है। तो बहुत सारे प्लांट हम ग्रो नहीं कर पाते, ये वेस्ट मटेरियल का ये हाल देखिए कितने अच्छे से ग्रोथ हो रही है सारे प्लांट की। ये यहाँ पर मॉर्निंग गैलोरी, इसमें अच्छे खासे फूल खिलते रहते हैं, बहुत ही बढ़िया सुंदर कलर है। और मैक्सिकन पिटोनिया, और यहाँ पर देखिए दोस्तों अभी बारिश में क्या है कि बहुत सारे अनगिनत प्लांट अपने आप से ग्रो होने लग जाते हैं, तो इनको हटाना भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर ये नहीं हटाएंगे तो ये मजबूत अपनी जड़ें कर लेंगे और फिर प्लांट को हटाना मुश्किल हो जाता है और सारी एनर्जी ये प्लांट ले लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से बारिश में मेरा गार्डन देख सकते हैं, बहुत सारे प्लांट ख़राब भी हो रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि सारे प्लांट अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन दोस्तों एकदम से हरा भरा मेरा गार्डन हो गया है। तो बारिश के पानी में जादू भी होता है, और बारिश के पानी अति होने के बाद प्लांट ख़राब भी होने लग जाते हैं। लगभग और कोई सा प्लांट ख़राब नहीं हो रहा है, मेरे विनका ही ख़राब हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर जो है व्यू आ रहा है मेरे गार्डन का, और सारे धूल मिट्टी वगैरह साफ़ हो गई है, तो पत्तियाँ एकदम से इतनी अच्छी